Oh my god, this is Umrang soup for you. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम उमरंग सू। गाइस, आज है डे नंबर 2 फैल्कन फेस्टिवल 2020 का, और कल रात को हमने इस टेंट पे सोया। गाइस, क्या अलग ही एक्सपीरियंस मिला, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा गाइस थोड़ी देर में। और इधर देखो, सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं वहां से, और क्या व्यू मिल रहा है भाई। ओए उठ जा, ओए ओए उठो, ओए ओए उठ उठ उठ, कितना सोएगा भाई। कल रात से ये लोग सो ही रहा है भाई, मुझे सो ही नहीं दे रहा था भाई, मैं एक कोना में पड़ा था, ये लोग सो ही रहा है बस। देखो सूरज देवता की जय। और इधर में देखो गाइस, कितना सारा मींस टेंट है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस रहा कल, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा मेरा लाइफ का, और बहुत ही मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस था गाइस। और थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है भाई, अभी जाते हैं भाई टेंट में, घुसते हैं भाई टेंट में, घुसते हैं भाई। वो, वो, आप लोग जो व्यू देखो, वाओ। ओ भाई, सूरज देवता की जय हो। इयररिंग्स हो रहा है। ओ 1 hour later सो गाइस, सुबह से लेके अभी बज गया है 3। मैं सुबह में लास्ट में वीडियो किया था, और अभी 10 अभी फिर से वीडियो कर रहा हूँ। मतलब इसके मिडिल में गाइस मैंने व्लॉग एडिट किया और पिछला वाला व्लॉग छोड़ भी दिया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी उठाया गाइस, क्योंकि इधर में नेटवर्क नहीं है पहली बार, और नेटवर्क नहीं है, और मैं दूसरी जगह जाके वीडियो अपलोड करके आया। और अपना टेंट का हालत देखो गाइस, पूरा सामान से भरा हुआ है, हर जगह सिर्फ सामान ही सामान आपको दिखेगा। और इधर में हम लोग बॉन फायर करने के लिए वुड भी लेके आए हैं घर से, मतलब जेरिंग का। और सो फार सो गुड, अभी से ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस, तो लेट्स बीन। सो गाइस, ये भैया के इधर में हम लोग मींस रहा कल रात को, भैया ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, और इधर में हम लोग टेंट लगाए थे गाइस, और काफ़ी ज़्यादा वाइब मिला कल रात को, यहाँ पर बॉन फायर सब कुछ हो रहा था, और काफ़ी अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच। लेकिन वो अलग बात है, चार्ज किया। KTM 250 एडवेंचर, वाओ मस्त है गाइस। ये गोल्फ कोर्स कितना बड़ा है एरिया में, आप लोग देख ही सकते हो। और इधर में देखो कितना सारा राइडर लोग मतलब पास हो रहे हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है, जो कि ऑल ओवर इंडिया से आए हैं इधर। और ये जो आप लोग यहाँ पर जो एक कार देख रहे हो, यहाँ पर जेरिंग ने मुझे बोला था कि यहाँ पर पानी मतलब बरसात के दिन में पानी रहता है, और अभी पानी सूख चुका है पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ देखो फिर से एक राइडर गया, मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है यार। और यहाँ पर पानी मतलब पानी होता है अक्सर,
लेकिन अभी सूख चुका है, ठंडा का दिन आ गया इसलिए। लेकिन उस साइड में हम लोग को पानी मिलेगा, तो सोचा कि उस साइड में जाने का। गाइस इधर देखो कितना सारा टेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इतना गिन गिन के भी नहीं होगा भाई। ये तो सिर्फ एक जगह है, यहाँ पर इस फील्ड में कम से कम 1000 से ऊपर टेंट होगा। और हम लोग ने भी अपना टेंट उधर लगाया था गाइस कल रात को। और टेंट का कल मैं व्लॉग नहीं किया क्योंकि कल रात हो गया था, इसलिए सोचा आज के व्लॉग में दिखाने का। और इधर मैं आपको हर एक जगह में सिर्फ टेंट ही मिल जाएगा, और मैंने अपने लाइफ में इतना सारा टेंट एक साथ कभी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वाइब मिलता है यार रात के समय, क्योंकि यहाँ पर बॉनफायर सब कुछ जलता है, व्यू इज़ रियल एंड द वाइब इज़ रियल। एंड यहाँ पर देखो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, और कोई कोई तो फोटोज़ ले रहा है, कोई वीडियोज़ ले रहा है, सब लोग इस पल को इन्जॉय कर रहा है, जो कि करना चाहिए, और हम भी कर रहे हैं गाइस। और अभी मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा घूमने का आसपास में ही, तो चलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस बात कुछ ऐसा हुआ कि मैं गया था अकेला, मींस थोड़ा एक्सप्लोर करने, लेकिन अचानक उन लोग का कॉल आ गया, फिर उन लोग ने प्लान चेंज कर दिया और बोला एक साथ जाएंगे और थोड़ा अलग अलग जगह जाएंगे जहाँ पर अच्छा व्यू मिलता हो, और ये जगह व्यू के लिए जाना जाता है, तो जाएंगे गाइस। और अभी शाम हो ही गया, लगभग 4 बजने वाला है गाइस, और इधर जल्दी सूरज डूब जाता है, तो अभी चलते हैं। क्या निकल लगे इससे ब्रो? लेट्स गो। और एक चीज़ गाइस, ये देखो रेड बुल, इसने गिफ्ट किया था कल, लेकिन मैंने ये नहीं खाया, आज खाने वाला हूँ। गाइस जेरिंग का फिर से थोड़ा प्लान चेंज हो गया, उधर रहने वाला, और हम दोनों जाने वाले हैं। लेट्स गो, फुल रेडी, लेट्स गो, लेट्स गो। यस गाइस, क्या व्यू है भाई, वाओ। गाइस आपको जस्ट एक व्यू दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो व्यू, माय गुडनेस भाई साहब, दिस इज उमरांशु फॉर यू गाइस, वाओ। मतलब क्या खतरनाक लग रहा है भाई देखने में यार, सच बताओ तो। ओ माय गॉड, दिस इज उमरांशु फॉर यू। तो गाइस इधर में हो गया सब कुछ, अभी चलते हैं, लेट्स गो। और थोड़ा टाइम के लिए जो पल था यार, मतलब ये जिंदगी भर याद रहने वाला, इतना सुंदर पल, क्या बोलता है, इतना सुंदर पल यार, सच बताऊं तो इतना सुंदर लग रहा था सब कुछ देखने में। आई एम लविंग दिस सीरीज यार, आई एम लविंग उमरांशु एंड आई लव हिमा हसाव एंड आई लव असम। गाइस लोग मुझे पागल कहेंगे, लेकिन मैं लोग को, मतलब मैं खुद को एक चीज़ कहना चाहूँगा, समझते हो यार पागल, उनको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या पल इंजॉय कर रहा हूँ और क्या पल फील कर पा रहा हूँ, दिस इज आर रियल हैप्पीनेस। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ऐसा सब कुछ ट्राई करना चाहिए भाई कभी ना कभी, तो हम लोग रोज करके खाएंगे। गाइस बहुत खतरनाक हुए, देख के हाथ में लगेगा। आज है डे टू, इसलिए आज दूसरा वाला रिस्टबैंड मिला। चलो कल वाला येलो था, आज वाला है पर्पल। ओए आज कोई नहीं है, कल इतना ज़रा भीड़ था भाई, आज कोई नहीं है देख। गाइस आज है डे टू ऑफ फैल्कन फेस्टिवल 2021, और आज तो मेरा मतलब फेवरेट दो एक सिंगर शंकरराज कोनवर और एक बैंड द लोकल ट्रेन को देखने के लिए मैं जा रहा हूँ, बोला जाए तो। चलो थैंक यू।
गाइस यहाँ पर लोकल बैंड का प्रोग्राम चल रहा है अभी। गाइस अभी वक्त हो गया है शंकरज कुंवर सर का लाइव परफॉर्मेंस देखने का। अरुण कालकनंद सॉन्ग का मैं ह्यूज फैन हूँ यार, बहुत बड़ा फैन हूँ और आप में से बहुत सारे लोग भी फैन होंगे। अभी चलते हैं गाइस, लेट्स गो। गाइस सर उठ चुके हैं स्टेज पे और अभी सब कुछ सेट किया जा रहा है क्योंकि बैंड के सर गाने वाले आई गेस। Sorry, I can't hear you guys. Yes! You can do better than this. Come on. Yes!
fine? Yeah. अच्छा enjoying ना? Yeah. Guys, finally local train is arrived. One of my favorite band in India. I think this is the best venue we have ever played at. This is so beautiful. I mean, this is like, I don't know how come we never played here. This was, we were discussing the whole day, bhai, kya jagah hai ye. It's amazing. Thank you so much, Falcon Festival. God, what a moment, what a performance, man. पर और एक डीजे फंक्शन बाकी है, यानी कि डीजे रेवट और जो कि दिल्ली में रहता है वो यहाँ पर मींस आ गया गाइस और यहाँ पर बजाने वाला है थोड़ी देर में डीजे रेवट और इन द हाउस। और अभी का टाइम अगर बताऊं तो गाइस अभी हो रहा है 2:25 AM इन द मॉर्निंग। यस, आर यू रेडी? यस, आर यू रेडी? यस, वी हैव डीजे रेवट ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली।
side that the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. Let them boy, baby, see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you would think that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. भाई साहब ऐसा डीजे मैंने कभी अपने लाइफ में अटेंड नहीं किया भाई, ऐसा डीजे फंक्शन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डीजे भाई, डीजे रेवेटोर। अभी भाई चलते हैं, लेट्स गो। द नेक्स्ट डे, सो गाइस यहां पर हम लोग उठ चुके हैं, मतलब हम लोग सोए नहीं गाइस, पूरा रात हम लोग ने प्रोग्राम अटेंड किया था और 4 बजे यार सोने आए थे, लेकिन अभी कितना बज रहा है एक बार देखना, 6:18 अभी 6 है, मतलब 2 घंटे हम लोग ने जस्ट रेस किया गाइस, और हम अभी हम लोग निकल जाएंगे, सब कुछ असेंबल कर रहे हैं। और क्या ही, और गाइस क्या ही प्रोग्राम था यार कल रात को, मतलब मेरा गला बैठ चुका है। डीजे रेवर्टन ने पूरा माहौल जमा दिया यार, पूरा खतरनाक वाला डीजे बजा यार, पूरा नाचने पे मजबूरी कर दिया था सभी को। और अभी जस्ट असेंबल कर रहे हैं, और इधर में देखो बॉनफायर भी है। टेंट को खोल दिया गया और इधर में सूरज देवता प्रकट हो चुके हैं और टेंट को असेंबल कर रहे हैं और सब चीज हम लोग असेंबल कर रहे हैं गाइस, और इधर लोड भी कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं टुवर्ड्स लामडिंग। सो गाइस सब कुछ हो गया कंप्लीट, अभी हम लोग निकलने वाले गाइस, और निकलने के समय मैं व्लॉग नहीं करने वाला गाइस, क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ और थोड़ा सा मतलब रेस भी चाहिए सब कुछ, कोई जैसे कैमरा हो जाए, क्योंकि नॉन स्टॉप मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ईटी से कर रहा हूँ, तो सोचा और नहीं ब्लॉग करने का, और सेम ही रास्ता से आया और क्या ही ब्लॉग करूँ। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर ही एंड गाइस, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, और पिछले वीडियो में जो रेस्पॉन्स है यार थैंक यू सो मच फॉर देट, और मिलेंगे गाइस किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए गाइस। और गाइस इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर देना, वहाँ पर मैं अपडेट देते रहता हूँ कि कब राइड होने वाला है, कब क्या ब्लॉग होने वाला है, सब कुछ। तो अभी गाइस हम लोग निकलने वाले हैं, सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।